हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, धनतेरस आने वाली है और हम सभी अपने अपने शुभ मुहूर्त में अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खरीदारी करना चाहते हैं। दोस्तों, दिवाली से पहले धनतेरस की पूजा होती है और हिंदू धर्म के मुताबिक धनतेरस की पूजा का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व आता है। जितनी दिवाली के पूजन का होता है, उतना ही शायद धनतेरस हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट होता है। और इस दिन यम दिया हम ज़रूर पूछते हैं, आपको मैंने इस बारे में वीडियो भी दी है। अकाल मृत्यु से यम दिया हम सबको बचाता है और धर्म के मुताबिक धन और आरोग्य के लिए इस दिन भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, ये दिन भगवान कुबेर के जन्म का दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष हैं भगवान कुबेर और इस दिन अगर उनकी हम पूजा कर लेते हैं तो माना जाता है हमारी नैया और धन के मामले में तो पार लग जाती है। दोस्तों, अमृत का कलश के साथ भगवान धन्वंतरी हुए थे और इस दिन उनको अगर तुलसी का पत्ता भी हम चढ़ा देते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर सोने चांदी के बर्तन खरीदने से घर में शुभ मंगल योग होते हैं और ऐसा बोला जाता है कि इस दिन धातु खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के बाद आपकी किस्मत चमक जाती है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान तो हाथों में कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसी वजह से बर्तन खरीदने का उस दिन या सोना चांदी खरीदने का उस दिन विधान आता है। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आएगा, यानी दिवाली के दो दिन पहले, और धन का मतलब होता है धनतेरस। इसको अगर हम ब्रेकअप कर ले तो क्या होता है, धन का मतलब होता है समृद्धि और तेरस का मतलब तेरवा। धन तेरह का मतलब होता है अपने धन को तेरह गुना बना सकें और उसमें वृद्धि करने का दिन होता है। दोस्तों, इसलिए धनतेरस कारोबारियों के लिए, सभी लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी माँ की पूजा करने से समृद्धि, खुशियाँ और सफलता मिलती है। दोस्तों, खरीदारी करने का इस बार का शुभ मुहूर्त आपको मैं बता दूँ, 17 तारीख को है धनतेरस और शाम को 7:19 से 8:17 तक योग है। आपको मैं बता दूँ, सुबह 7:33 पर दवा और खाद्य आन आप खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त है सुबह 9:13 से आप वाहन, मशीन, कपड़ा, शेयर और घरेलू सामान आदि खरीद सकते हैं। आप स्क्रीन पे आप लोगों के लिए मैंने नोट भी करने के लिए डिस्प्ले किया है। और दोपहर को 2:12 तक आप जो भी मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे गैजेट्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, गाड़ियां हैं, जो भी चर वाली चीज़ें हैं, यानी कि मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, वो आपको दोपहर को 2:12 तक खरीद लेनी है। और शाम के समय आप 3:51 तक आपको लाभ कमाने वाली चीज़ें, जैसे मशीन्स हुआ, औजार हुए, कंप्यूटर्स हुए, या इन्वेस्टमेंट वाले जो बंगलो वगैरह खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, शेयर्स आदि, ये शाम को 3:51 तक खरीद सकते हैं। दोस्तों, बर्तन, जेवर, खिलौना, कपड़ा, स्टेशनरी, ये सब खरीदने के लिए अमृत काल सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि शाम को 5:31 तक आप ये सब खरीद सकते हैं। कब से? सुबह 9:13 से। इसके बाद दोस्तों, घरेलू सामान, खाद्यान्न, दवा आदि खरीदने के लिए शाम को 7:11 तक का समय शुभ है। दोस्तों, आपको मैंने पूजा विधि बता दी है। सबसे पहले आप धन्वंतरि के, गणेश जी की पूजा करें, फिर धन्वंतरि देवता कुबेर की चाहे तो सुपारी बना से उनको बना करके पूजा करें, या उनकी फोटो है तो उसका पूजन करें। चांदी या तांबे की आचमनी से जल का आचमन करें, भगवान गणपति का ध्यान पूजन करें, हाथ में अक्षत पुष्प ले करके सभी देवी देवता की पूजा करें। इसके बाद आप यम का दिया जलाएं, यम देवता की पूजन करें, उसमें कौड़ी डाल करके पूजन करें और उसे अपने मुख्य द्वार के बाहर रख दें। दोस्तों, कहा जाता है कि 5 वस्तुएं होती है, उनकी खरीदारी करना विशेष रूप से सभी राशि वालों के लिए लाभदायक होता है। हीरा को ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का रत्न कहा गया है। इस धनतेरस अगर आप हीरे की खरीदारी करते हैं
आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहता है, आपका धन और यश बढ़ता है। अगर आप चांदी के सिक्के या चांदी के बर्तन लेते हैं वो भी बहुत शुभ रहता है। लक्ष्मी पूजन के लिए चांदी का बर्तन खरीदें और इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया के बीज मैंने आपको बताए थे जरूर खरीदने हैं। इस बार धनतेरस के दिन धनिया खरीदना धन का प्रतीक माना गया है और लक्ष्मी पूजन के समय देवी को धनिया अर्जित करने के बाद दिवाली के नेक्स्ट डे आपको उसको बगीचे में कुछ बीज बो देने हैं, तो कुछ को कौड़ी और गोमती चक्र के साथ आपको तिजोरी में रखने चाहिए। दोस्तों इस धनतेरस पत्नी के लिए लाल वस्त्र और श्रृंगार सामग्री खरीद करके उन्हें माता और पत्नी और बहनों को बहुओं को उपहार देना बहुत ही शुभ रहता है। अविवाहित व्यक्ति किसी अन्य सुहागन, चाहे वो आपकी भाभी हो, बहन हो, माँ हो, आप किसी को भी अन्य सुहागन स्त्री को उपहार दे सकते हैं। तिजोरी और बर्तन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन राहु की वस्तु होने के कारण ध्यान रखें एल्यूमिनियम और शीशे की चीजें आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। दोस्तों आपको मैं बता दूंगी बाद में कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी है, लेकिन आपको मैं राशि के अनुसार बता दूं, आप अगर राशि अनुसार शॉपिंग करना चाहते हैं तो मेष राशि वालों के लिए धनतेरस बहुत ही शुभ और सुखद रहता है और किचन की वस्तुएं अगर आप इस दिन खरीदें तो आपके लिए लाभदायक होता है। ध्यान रखें जो भी आप खरीदें इन चीज़ों का पूजन शाम को आपको अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की, इन राशि के जातकों को इस दिन चांदी की वस्तुएं खरीदनी चाहिए, इससे पूरे साल माना जाता है धन धान्य की वर्षा होती है और चंद्रमा का दोष दूर रहता है। नेक्स्ट मिथुन राशि वाले और मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन साथी के उपयोग की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आप अपनी पत्नी को कुछ भी अपनी पॉकेट के अनुसार खरीद के दे सकते हैं, भेंट दे सकते हैं जिसे वो उपयोग कर सके, इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। कर्क राशि वाले आज के दिन आप वस्त्र खरीदें, अगर भगवान के वस्त्र खरीदते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ होता है, और नहीं तो आप अपने जीवन में जिसको भी इम्पोर्टेंट मानते हैं उन सभी लोगों के लिए आज के दिन वस्त्र ज़रूर खरीदें। सिंह राशि वालों की हम बात करते हैं, सिंह राशि वालों को इस दिन दान करना चाहिए, जो भी खरीदें वो दो खरीदें, चाहे एक छोटा सा दीप ही खरीद लें और उसमें से एक को दान कर दें, चाहे दान ज़रूरी किसी को भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको वो डोनेट कर देना है, किसी को गिव अवे कर देना है, एज अ गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। दोस्तों कन्या राशि वाले, इस राशि के जातक को स्त्रियों को पहनने की वस्तुएं खरीदनी चाहिए, चाहे वो गहने हो, पाजेब हो, एक छोटी सी एक बिंदी हो या साड़ी हो, दोस्तों कुछ भी खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों को सोना और चांदी के सिक्के खरीदने से लाभ होता है, ध्यान रखें भगवान की मूर्तियों वाले सिक्के खरीदने से बचें। यूजुअली आजकल चांदी के सिक्कों में गणेश जी, लक्ष्मी जी बने हुए होते हैं, वो सिक्के आपको नहीं खरीदने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोस्तों इस राशि वालों को आज के दिन दान करना चाहिए, 11 प्रकार की वस्तुओं का दान करें, कुछ भी आप छोटी छोटी बिंदी चूड़ी ये कहीं भी सुहाग के सामान की कर लें, या फिर आप छोटे छोटे मोजे 11 गरीबों को दे दें, या छोटे छोटे कुछ कोई भी जो आपकी पॉकेट की चीज़ें, 11 टॉफियाँ ही दे दें, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो इससे आपके लिए पूरा साल शुभ रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वालों को व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के लिए दान करना जरूरी होता है, बेहतर है किसी स्वीपर या झाड़ू लगाने वाले को आप दान करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले जो भी खरीदें उसे दिन में खरीदें और शाम को उसका पूजन करें, ये आपको ज़रूर करना है, शाम के बाद आपको चीज़ें नहीं खरीदनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कलश खरीदना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बड़ा कलश खरीदें, आप चाहें तो छोटी सी लुटिया भी खरीद सकते हैं, कलश के शेप का आप एक स्टिकर भी खरीद सकते हैं, कलश का आप भगवान के सामने रखने के लिए भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखें पर जो भी हो स्टील का कलश आपको नहीं खरीदना है, स्टील, एल्यूमिनियम और ग्लास, ये तीन चीजें आपको उस दिन नहीं खरीदनी है। सबसे शुभ रहता है तांबे का कलश खरीदना और शाम को उसका पूजन करना।
मीन राशि वाले इस बार थोड़ी सी अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दवाइयों का दान करें, हो सके तो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए दवाएं खरीदें। दोस्तों कॉमन में बता देती हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं खरीदनी है वो है शीशे का संबंध राहु से है, इसलिए शीशे की चीज़ों का खरीदारी ना करें। अगर खरीद भी रहे हैं तो ध्यान रखें ट्रांसपेरेंट ना हो, धुंधला ना हो। कांच का सामान वैसे खरीदना मनाही ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। दोस्तों एल्यूमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदे जाते हैं क्योंकि ये धातु में राहु का आधिपत्य होता है। नुकीले सामान जैसे चाकू, कैंची, छुरी और लोहे के बर्तन भी आपको नहीं खरीदने चाहिए। तो दोस्तों धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार इन चीज़ों की खरीदारी आप करें और आप देखेंगे कैसे इस बार माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करती है। दोस्तों हीरा, चांदी, धनिया के बीज, पत्नी के लिए लाल वस्त्र और तिजोरी या स्टील के बर्तन, सॉरी चांदी के बर्तन ज़रूर खरीदने चाहिए। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस इन्फॉर्मेशन को तुरंत शेयर करें, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी सोशल साइट पे हो, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।